जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, अभी तो त्योहारों का सीजन चल रहा है और एक तो सबसे बड़ा त्योहार आज ही है ना। आप लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत खुशियों से त्योहार को मनाइए। मिठाइयाँ खाइए, बम पटाखे भी छोड़िए, लेकिन बम पटाखे बहुत कम छोड़िए, है ना। क्योंकि हम ही लोग जब नहीं करेंगे इसका पालन, प्रदूषण फैलते जा रहा है, देख रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस है ना। तो बम पटाखे सरकार भी प्रतिबंध लगाती है, लेकिन मानते कौन है। लेकिन हमें इसका पालन करना चाहिए। और एक तो है कि अब आपके जैसे जैसे अभी हम लोग टेंथ जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो टेंथ में देखिए एक त्योहार ही ऐसा है जो हमारे टेंशन को सब कुछ भुला देता है और मस्ती में, मौज मस्ती में सब कुछ भूल करके और उसका हम लोग आनंद लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे बगल में खड़े हैं सर, ये आपको चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी नया चीज़ होने वाला होगा, ये आपको बताएंगे और आपको अभी शुभकामना दे रहे हैं दीपावली की। पहले इनसे शुभकामना ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। ओके, चलिए। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी दिवाली सबको। तो पटाखा खूब जला रहे होंगे आप लोग, तो यही बोलेंगे कि पटाखा थोड़ा कम जलाइए, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्रदूषण को भी देखना है, हम लोग को करना है सारा। मस्ती एक दिन कीजिए, बाकी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। हाँ, और यही टेंथ बोर्ड का ही रिजल्ट सब लोग देखता है, बाकी एट नाइन तो कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 8, 9, 10 मतलब कि आप शुरू से नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, तो पीछे के क्लासों का रिजल्ट कोई नहीं पूछता है। ठीक है, ना कोई देखता है और ना आपके लाइफ में उसका प्रभाव होता है। मेन है आपका टेंथ। तो जी जान से एकदम मेहनत कीजिए और 90+ लाने का प्रयास कीजिए। और मैं तो आप पहचान ही रहे हैं, भले आज एडुफेस्ट के हम नहीं है क्या गेटअप में, लेकिन आज चूंकि त्योहार है तो हम लोग भी मना रहे हैं त्योहार, आप लोग भी मना रहे हैं और अब हमें लग जाना है। मैं आपको वादा किया हूँ संस्कृत के लिए, तो संस्कृत के लिए चिंता ना करें। हाँ, विलम्ब होता है, हमको भी देख रहे हैं हम भी, लेकिन क्या करें, उसी में सबको देखना है। लेकिन आपका अभी संधि कंप्लीट हो चुका है, समास में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है ना, समास में अव्ययी भाव पूरा हो गया है, तत्पुरुष समास पढ़ाना है, तत्पुरुष बहुव्रीही और द्वंद्व समास में है। इसके बाद हम लोग का वाच्य है, वाच्य करेंगे, वाच्य करने के बाद प्रत्यय करेंगे और इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे आपके। फिर बुक का जो है किस तरह से पत्र करना है और चित्र वर्णन, जो कि सबसे कठिन लगता है आपको चित्र वर्णन, केवल 5 पंक्तियां 5 लाइन लिखना होता है ना संस्कृत में, और वो मैक्सिमम स्टूडेंट हम देखते हैं या तो गलत लिखते हैं या छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि उसमें एक भी आपको छूटेगा नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए। और आज खुशी मनाइए, मौज मस्ती कीजिए, बट अपने जो आपका वर्क है, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन, कर्म अपना करते रहिए। और इसी संदेश के साथ ओके बाय, हैप्पी दिवाली। ठीक है ना, फिर से बोलूंगा हैप्पी दिवाली सबको, और ध्यान रखिएगा, और पटाखे पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में पटाखे जलाते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। तो जान है। हाँ, चलिए, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।